अंजलि की 6 साल की बेटी गुड्डी टीवी में एनिमल प्लैनेट देख रही थी। उसमें दिखा रहा था कि एक शेर बड़े मजे से एक हिरण को मारकर खा रहा है। वो देखकर गुड्डी के मुंह में पानी आ गया। अंजलि ने ये देख लिया। अरे गुड्डी, ये देखकर तेरे मुंह में क्यों पानी आ रहा है? मेरे मुंह में कहां, नहीं तो। गुड्डी ने पानी पोंछ लिया। अंजलि को ये बात अच्छी नहीं लगी। कुछ देर बाद अंजलि खाना बनाकर ले आई। ये ले बेटी, खाना खा ले। खाने में क्या है माँ? दाल चावल और अचार। दाल चावल? नहीं माँ, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी। क्यों? तो फिर तुझे क्या खाना है? मुझे मांस खाना है, चिकन मटन, और हिरण हो तो मजा ही आ जाएगा। ये कहते हुए गुड्डी की आंखें चमक रही थी, जैसे कि किसी शेरनी ने शिकार को देख लिया हो। अंजलि चौंक गई। ये सब क्या बोल रही है बेटी? हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो मैं क्या करूं? इंसान शाकाहारी हो सकते हैं, लेकिन जानवर नहीं। तू भी तो इंसान ही है ना? नहीं, मैं जानवर हूँ। अंजलि डर गई। क्यों मजाक कर रही है बेटी, खाना खा ले। लेकिन गुड्डी ने अंजलि की बात नहीं सुनी। वो पूरे घर में छलांग लगाने लगी। ये सब देखकर अंजलि बहुत डर गई। कुछ देर बाद गुड्डी सो गई। शाम को अंजलि का पति रमेश घर लौटा। अंजलि ने कहा, सुनिए जी, मुझे लगता है गुड्डी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दौरे पड़ रहे हैं। क्या, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अंजलि ने रमेश को सब कुछ बताया। रमेश भी चौंक गया। ये काम डॉक्टर का नहीं है अंजलि, इसके लिए हमें किसी ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा। मेरे ऑफिस का दोस्त उस दिन एक ज्योतिष के बारे में कह रहा था, मैं कल देखता हूँ। अगले दिन रमेश ऑफिस चला गया और गुड्डी फिर से टीवी खोलकर एनिमल प्लैनेट देखने लगी। अंजलि ने उससे रिमोट छीन लिया। ये सब मत देख बेटी, तेरे लिए ये सब देखना सही नहीं है। नहीं माँ, मुझे देखना है, मुझे रिमोट दे दीजिए। नहीं दूंगी रिमोट। नहीं दोगी? ये कहते हुए गुड्डी बार बार अपनी जीभ बाहर निकालने लगी और मुंह से सांपों जैसी आवाज निकालने लगी। ये तू क्या कर रही है बेटी, तू इंसान है, सांप नहीं। किसने कहा कि मैं इंसान हूँ? गुड्डी जमीन पर लेट गई और हाथ से फन बनाकर जमीन पर रेंगने लगी। मैं एक नागिन हूँ, मैं एनाकोंडा हूँ। अंजलि डर के मारे दरवाजा बाहर से बंद करके भाग गई। शाम को जब रमेश लौटा तो देखा अंजलि घर के बाहर खड़ी हुई है। क्या बात है अंजलि, आज तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो? अंजलि ने सब कुछ बताया और रमेश डर गया। दोनों अंदर गए तो देखा गुड्डी जमीन पर ही सोई हुई है। रमेश ने कहा, सुनो अंजलि, मेरे ऑफिस के उस दोस्त से बात कर लिया है, वो कल ही उस ज्योतिष को लेकर यहाँ आने वाला है। अगले दिन सुबह सुबह गुड्डी टीवी का रिमोट ढूंढने लगी, लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला। माँ, टीवी का रिमोट कहाँ है? पता नहीं बेटी, यहीं पर तो था। अंजलि ने पहले ही रिमोट छुपा दिया था। गुड्डी को रिमोट नहीं मिला। कुछ ही देर में रमेश के दोस्त और वो ज्योतिष वहां आ गए। ज्योतिष ने गुड्डी को सामने बिठाया और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ा और फिर गुड्डी को एक दवाई खिलाई। दवाई खाते ही गुड्डी का सर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा सर चकरा रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, कुछ और। क्या दिख रहा है बेटी? दिख रहा है एक घना जंगल, मैं जंगल में घूम रही हूँ, एक शेर मेरी ओर आ रहा है, मैं एक शेरनी हूँ। यह कब की बात बोल रही हो? आज से कई हजार साल पहले, तब इस पृथ्वी में सिर्फ जंगल हुआ करता था। अरे ये क्या, मेरे आसपास का दृश्य बदल रहा है। अभी मैं एक नदी में हूँ, मैं बहुत बड़ी नागिन हूँ। अरे ये क्या, अभी मैं एक चीता हूँ, पेड़ पर बैठकर शिकार का इंतजार कर रही हूँ। ये कहते हुए गुड्डी बेहोश हो गई। ज्योतिष जी, क्या बात है? मामला संगीन है, आपकी बेटी इससे पहले 3 बार जन्म ले चुकी है, एक बार शेरनी बनके, एक बार नागिन और एक बार चीता। अब वो सब दृश्य उसके सामने आ रहा है, इसलिए उसे दौरे पड़ रहे हैं। लेकिन उसे ये सब क्यों दिख रहा है? पिछले जन्म की बातें तो किसी को याद नहीं रहती हैं। तब तक जब तक सारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हो या फिर कोई काम बाकी रह गया हो, शायद आपकी बेटी का कोई काम अधूरा रह गया है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या है और हमारी बेटी ठीक कैसे होगी? इसका उपाय मेरे पास है।
ये बोलकर ज्योतिष ने गुड्डी के सर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, आपकी बेटी इस जन्म में एक इंसान के रूप में जन्मी है। भगवान ने उसे कुछ काम से ही भेजा है और वो समझने के लिए आपकी बेटी को जंगल में जाना होगा और एक रात अकेले रहना होगा। लेकिन इतनी सी बच्ची अकेले जंगल में कैसे रह सकती है? रहना होगा, यही भगवान की इच्छा है। ज्योतिष ने गुड्डी को गोद में उठा लिया और वो जंगल में चले गए। वहाँ एक पेड़ के नीचे गुड्डी को रख दिया और वो वापस चले आए। अंजलि रोने लगी, क्या होगा मेरी बच्ची का, वो जिंदा लौट पाएगी या नहीं? चिंता मत करो, वो पिछले 3 जन्म में जानवर ही थी, उसे बाकी जानवर कुछ नहीं करेंगे, यही भगवान का आदेश है। उधर शाम को गुड्डी को होश आया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये क्या, मैं कहाँ हूँ? तभी दूर से शेर की आवाज आई और गुड्डी को पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। तो मैं अपने घर में ही हूँ, जंगल में, सभी मेरे सामने आओ, बोलो बोलो मुझे क्या काम है। ये कहते ही उसके सामने जंगल के सभी जानवर आ गए। शेर, हिरण, हाथी से लेकर खरगोश तक सभी आ गए। प्रणाम राजकुमारी, आप जंगल की राजकुमारी हो, इस जन्म में आप इंसान के रूप में आई हो। वो मुझे याद है, लेकिन भगवान ने मुझे किस काम से यहाँ भेजा है ये मुझे नहीं पता। ये जंगल हमारा घर है राजकुमारी, लेकिन कुछ इंसान अपने फायदे के लिए जंगल काट रहे हैं, हमारा घर तोड़ रहे हैं, इससे धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा, हम भी मारे जाएंगे और वो भी। हम जानवरों की बात कोई नहीं सुन पाता, इसलिए आपको इंसान के रूप में भेजा गया है ताकि आप हमारा घर बचा सको। ये सब सुनकर गुड्डी की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अपना काम निष्ठा के साथ करूंगी। गुड्डी घर लौट आई। उसके पास जंगल बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, पढ़ाई। वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रमेश और अंजलि बड़े खुश हुए। गुड्डी के सामने अभी एक मकसद था। उसने मन लगाकर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किया और एग्जाम देकर फॉरेस्ट ऑफिसर बन गई और फिर सरकार से कहकर फॉरेस्ट एरिया को इलेक्ट्रिक तार से घेर दिया ताकि बाहर से कोई इंसान जंगल में ना घुस सके और ना पेड़ काट सके। गुड्डी ने जंगल में पहरे भी बढ़ा दिए, इससे कोई जानवर का शिकार करने वाला शिकारी भी जंगल में नहीं घुस पाया। जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। गुड्डी ने उसका काम कर दिखाया और फिर जंगल के अंदर ही एक घर बनाकर जानवरों के साथ शांति से रहने लगी। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई विपाशा भागते हुए अपनी कार के अंदर पहुंची। उसके पीछे एक बड़ी भयानक नागिन पड़ी हुई थी। बचाओ बचाओ! विपाशा अपनी कार के अंदर घुसी और कार के डेस्क में रखा अपना लाइसेंसी पिस्तौल निकाला और नागिन की ओर तान दिया और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। धाएं धाएं की आवाज से वो पूरा इलाका सिहर उठा। लेकिन ये क्या, गोलियां उस नागिन को लग तो रही थी लेकिन उसके शरीर को छूते ही वो गोलियां राख के ढेर में बदल जा रही थी। अरे ये क्या हो रहा है, इस नागिन पर तो गोलियों का भी असर नहीं हो रहा है। उसकी बंदूक की सारी गोलियां खाली हो गई लेकिन उस नागिन को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर विपाशा की हालत बहुत खराब हो गई। उसका शरीर डर से कांपने लगा। तभी उसने देखा कि उस नागिन का रूप धीरे धीरे बदल रहा है। पल में ही उसका आकार एक विशालकाय नागिन का हो गया। इतनी बड़ी नागिन विपाशा ने आज तक नहीं देखी थी। अरे ये इसका आकार इतना विशाल कैसे हो गया? बचाओ बचाओ! विपाशा बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी और वो नागिन उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। जब वो नागिन उसके पास पहुंची तो विपाशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस नागिन के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, लेकिन उस नागिन ने उसे अपने मुंह में दबा लिया और उसे निकलने लगी। विपाशा बहुत ही अमीर और घमंडी औरत थी। अपने पैसों का उसे बहुत घमंड था। अपने आगे वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। अपने पैसों के ताकत के बल पर वो जो चाहती वो करती, जो चाहती वो खरीद लेती। एक दिन की बात है, वो मैनेजर से ऑफिस में बैठकर बातें कर रही थी। देखो तुम सिर्फ दाम बताओ, मुझे वो फैक्ट्री पसंद आ गई है तो आ गई है। उस कंपनी पर कल मेरा यानी विपाशा इंडस्ट्रीज का नाम होना चाहिए। पर मैम, वो कंपनी बहुत ही घाटे में है, इससे आपका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।
मेरा नुकसान होगा ना, तेरे बाप का तो कुछ नहीं जाएगा। दो टकी के मैनेजर जितना बोला वो कर और मुझे ज्ञान मत दे। और हाँ, तुमने जो जरूरत की है ना मुझे ज्ञान देने की, तो उसकी सजा ये है कि कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो। विपाशा का खौफ इतना था कि कब किसे वो नौकरी से निकाल दे किसी को पता नहीं था, कब वो किसका और कैसे अपमान कर दे ये भी कोई नहीं जानता था। पैसों की शक्ति तो यही होती है ना, वो आपको कुछ भी करने की इजाजत दे देती है। एक दिन की बात है, वो अपनी फैक्ट्री के दरवाजे पर अपनी कार लेकर खड़ी थी और हॉर्न पर हॉर्न बजा रही थी। ये गार्ड कहाँ मर गई, इतनी देर से मैं हॉर्न बजा रही हूँ लेकिन ये है कि कान में रुई डालकर बैठी हुई है। विपाशा गुस्से में अपनी कार से उतरी, वो फैक्ट्री के गेट की ओर बढ़ रही थी तभी दूसरे गार्ड ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही विपाशा भड़क गई। कहाँ था तू, इतनी देर लगती है तुझे गेट खोलने में, बेशरम आदमी, तुझे पता है ना मेरा एक एक पल कितना कीमती है। मैम मेरी ड्यूटी स्टोर में थी, यहाँ तो ललिता की ड्यूटी थी, मैं तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर यहाँ भागा भागा आया। कहाँ है वो ललिता, उसे बुला कर ला। गार्ड ललिता के पास गया लेकिन वहाँ उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ललिता के मुंह से झाग निकल रहा था और वो तड़प रही थी, शायद उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया था। विपाशा की कई सारी फैक्ट्रियां थी जिसमें से ये फैक्ट्री जंगल के बिल्कुल पास थी, जहां अक्सर कोई न कोई जंगली जानवर घुस आता या कोई जहरीला सांप निकल आता था। प्रकाश भैया, बचा लो भैया। ललिता हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अचानक ललिता बेहोश हो गई। गार्ड भागकर विपाशा से ये बात बताने गया। तो मैं क्या करूं? सांप ने काट लिया तो काट लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसे उठकर गेट खोलना चाहिए था, क्योंकि मैं यानी विपाशा राठौर हॉर्न बजा रही थी। चलो अब टाइम पास मत करो मेरा, उस लेडी गार्ड को तो उसकी सजा भुगतनी ही होगी। पर मैम वो तो अचेत पड़ी है, वो कैसे गेट खोलती? मैम उसकी हालत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल भी ले जाना होगा। गार्ड की बात सुनकर विपाशा ने एक तमाचा खींचकर उस गार्ड को मारा और गुस्से में उससे कहा, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है उस कामचोर का, देख यहाँ काम चाहिए, दर्द दिखाना है तो कहीं और निकल, जाकर समाज सेवा कर। और सुन, फैक्ट्री में छुट्टी जब होगी तभी तू यहाँ से हिलेगा, नहीं तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा आया सोशल वर्कर, चल अब हट यहाँ से। ललिता के पति की मौत पिछले साल हो गई थी, उसकी तीन बेटियां थी। पति की मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी ललिता के कंधे पर आ गई थी। बहुत कोशिश के बाद ललिता को गार्ड की नौकरी मिली थी, उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। बहरहाल विपाशा ने तो ललिता से मुंह फेर लिया था। शाम को जब फैक्ट्री की छुट्टी हुई तो उसके साथ ही गार्ड ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, आप लोगों को पहले ही से यहाँ ले आना चाहिए था। सर वो हम लाना तो चाह रहे थे लेकिन। ललिता की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद तो ललिता का पूरा परिवार बिखर गया। उसकी छोटी छोटी बेटियों सीमा रीमा और गुंजा की आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। माँ क्या हो गया तुम्हें, माँ ये क्या हो गया। पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम, माँ अब हम किसके सहारे रहेंगे, बोलो ना माँ हम किसके सहारे रहेंगे। सबसे छोटी बहन गुंजा के तो आंसू आंखों में ही सूख गए थे, उसे इतना बड़ा शौक लगा कि वो उसने बोलना तक बंद कर दिया था। पूरा परिवार एक भयानक दर्द के भंवर में फंस गया था, लेकिन अभी तो और भी अनहोनी होनी थी उस परिवार के साथ। ललिता की मौत के तीसरे दिन की बात है, सुबह का समय था, रीमा और सीमा गुंजा को जगा रही थी। गुंजा उठ ना बहन, गुंजा क्या हो गया तुझे, उठ ना। लेकिन गुंजा नहीं उठी, अपनी माँ की मौत के गम ने उसकी सांसें छीन ली और वो भी मर गई। गुंजा रीमा और सीमा के ऊपर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ की मौत के बाद रीमा और सीमा के छोटे कंधों पर बड़ा बोझ आ गया था और वो बोझ था पेट को भरने का। इस दुनिया में कोई भी हो, अमीर हो या गरीब, भगवान ने उसे पेट दिया है और उस पेट में भूख तो लगती है। छोटी छोटी उन बच्चियों ने काम की बहुत तलाश की लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। वे दोनों विपाशा के पास भी गईं कि वो कुछ उसकी मदद करे, लेकिन उसने इन बच्चियों को मार मार कर भगा दिया। यहाँ क्या खैरात बट रही है जो तुम दोनों मुंह उठाकर यहाँ चली आई, चलो भागो यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगी कि सीधे अपनी माँ और बहन के पास पहुँच जाओगी। हर तरफ से थक हार कर उन दोनों बहनों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो, एक रुपया दो रुपया, एक रोटी दो रोटी, कुछ भी दे दो भैया। एक दिन की बात है, रीमा और सीमा भीख मांग रहे थे तभी वो गार्ड जिसका नाम प्रकाश था, जो ललिता को अस्पताल लेकर गया था, उसकी नजर रीमा और सीमा पर गई। अरे ये तो ललिता की बेटियां हैं, हे भगवान इन्हें भीख मांगना पड़ रहा है। उनकी हालत देखकर प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए।
वो उनकी दर्द भरी स्थिति और ललिता की मौत का जिम्मेदार खुद को भी मानने लगा, क्योंकि उस दिन उसने भी तो नौकरी से निकाले जाने के डर से ललिता को अस्पताल पहुंचाने में देर की थी। मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे इसका पश्चाताप करना होगा। ललिता की मौत की सबसे बड़ी जिम्मेदार विपाशा मैम है। मुझे उनकी असलियत पुलिस को और ललिता की बेटियों को बताना होगा। प्रकाश ने रीमा और सीमा को सारी बातें बताई और उन्हें लेकर पुलिस के पास गया। पुलिस को भी उसने सब कुछ बता दिया। इंस्पेक्टर साहब, विपाशा मैम की लापरवाही के कारण इसकी माँ की मौत हुई। उन्होंने हमें डराया, धमकाया, नौकरी से निकालने की धमकी दी, इसलिए ललिता को अस्पताल पहुँचाने में देर हुई। सर, ललिता की मौत के बाद उसे कुछ पैसे मुआवजे में भी मिलने थे, क्योंकि ड्यूटी आवर में उसकी मौत हुई थी, लेकिन विपाशा मैम ने वो भी नहीं दिए। आज ये हालत है कि ललिता की बच्चियों को भीख मांग कर गुजारा करना पड़ रहा है। प्रकाश ने विपाशा की सारी सच्चाई पुलिस को बताई। पुलिस उसके पास पहुँच तो गयी, लेकिन विपाशा ने नोटों की गड्डी से उन्हें भी खरीद लिया। गिन लो इंस्पेक्टर, एक साथ इतने रुपए शायद तुमने कभी नहीं देखे होंगे। और सुनो, ये सिर्फ पहली किश्त है, अभी ऐसी 5 किश्तें और मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम अपना मुंह बंद रखो और उन बच्चियों और उस प्रकाश को किसी बड़े केस में जेल के अंदर डाल दो। बहुत खुजली मची है ना उन्हें, उनकी खुजली तुम मिटा दो। इंस्पेक्टर ने प्रकाश को मर्डर के एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों बच्चियों को भी चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। जेल में उनकी बहुत पिटाई की। साहब, हमें मत मारो साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है साहब, हमने कोई चोरी नहीं की, हमें चोर तो साहब। चुप चुप कर और सच सच बता, तुमने कहाँ छिपा रखा है चोरी का माल? अब उन बेचारी बच्चियों ने कुछ किया नहीं था तो वो क्या कहती, लेकिन पैसों के आगे अपना ईमान बेच चुके इंस्पेक्टर को उन निर्दोष बच्चियों की चीख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ईश्वर कभी साक्षात रूप से सामने नहीं आता, वो किसी माध्यम के जरिए मदद करता है। ललिता की मौत के बाद जब वो भगवान के पास पहुंची तो वो बहुत रोने लगी, क्योंकि उसे अपनी बच्चियों की बहुत फिक्र हो रही थी। तब उसका पुनर्जन्म भगवान शंकर की इच्छा से ही एक नागिन के रूप में हुआ था। तुम्हें मैं नागिन के रूप में वापस धरती पर भेज रहा हूँ। तुम अपनी बेटियों के साथ रहोगी तो जरूर, लेकिन उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाओगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी बेटियों पर भारी मुसीबत आएगी, तब तुम साधारण नागिन से शक्तिशाली नागिन में बदल जाओगी। ललिता नागिन के रूप में धरती लोक पर चली गई। वो अपनी बच्चियों के लिए कुछ कर तो नहीं सकती थी, लेकिन दूर से ही उन पर नजर रखती थी। एक दिन वो नागिन के वेश में उनके पास भी गई। अपने सामने एक नागिन को देखकर वो बच्चियां डर गई तो उसने कहा, अरे सीमा रीमा, डरो मत, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। देखो बेटी, मैं इस वेश में तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे साथ तो रह सकती हूँ, तुम्हें देख तो सकती हूँ, तुम्हारे गले तो लग सकती हूँ। ललिता उनके साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों से जब उसकी बच्चियां घर नहीं लौटी तो उसे चिंता हुई। और एक दिन जब उसे पता लगा कि उसकी बेटियों के ऊपर विपाशा के कारण जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो उसके चलते मेरी मौत हुई, मेरी एक बेटी मर गई, मेरी बच्चियों को भीख मांगना पड़ा, और अब उस विपाशा के कारण मेरी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, मेरी बेटियों को जेल में बंद करके उसे जानवरों की तरह पीटा जा रहा है। नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, पहले तो उस बेईमान इंस्पेक्टर को इसके किए की सजा देती हूँ और फिर उस विपाशा को मौत दूंगी। नागिन के वेश में ललिता ने इंस्पेक्टर को मौत के घाट उतार दिया। उसकी दोनों बच्चियां उस समय वहां बेहोश पड़ी थी। उसके बाद विशालकाय नागिन के रूप में ललिता अपना बदला लेने के लिए विपाशा के पास पहुंच गई थी। वो उसे निगलने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी बच्चियों के रोने की आवाज आई, जो गिड़गिड़ाकर उससे कुछ कह रही थी। माँ, माँ तुम इन्हें छोड़ दो माँ, माने कि इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अगर तुम इन्हें मार दोगी तो फिर तो तुम भी इनके जैसी हो जाओगी। तुम्हें पता है माँ, इनकी भी दो दो बेटियां हैं, अगर तुम इन्हें मार दोगी तो वे भी तो बिना माँ की हो जाएंगी। माँ तुम दया करो, माँ तुम इन्हें छोड़ दो। अपनी बेटियों के बार बार विपाशा को माफ करने की गुजारिश करने पर ललिता ने उसे छोड़ दिया। विपाशा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने ललिता से भी माफी मांगी और उसकी बच्चियों से भी। उस दिन के बाद वो पूरी तरह बदल गई। सीमा और रीमा को भी वो अपनी बेटियों की तरह पालने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।